तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का फॉर्म 2024 में, ठीक है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है अपने मोबाइल से। तो सबसे पहले डायरेक्टली आपको मैं बता देता हूँ, लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट जाना नहीं होगा, डायरेक्टली वेबसाइट पर आ जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा अप्लाई का, ये वाला, ठीक है। और अगर आप खुद आना चाहते हैं कि कैसे आप आइए, चलिए हमें थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल जो है उस मोबाइल पर एसएससी सर्च करना है, ठीक है। एसएससी सर्च मार लीजिएगा और दो वेबसाइट है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको एसएससी। अब जो है ये फर्स्ट वाला वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है, ssc.nic.in पे नहीं जाना है, आपको जाना है ssc.gov.in पे, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर लेना है आपको, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। इस वेबसाइट पर आइएगा, उसके बाद इसको ऊपर उठाना है, पूरा ऊपर उठाइए, और ये क्विक लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा बहुत सारा यहाँ पे, उसमें अप्लाई का ऑप्शन है, ठीक है। तो एक क्विक लिंक का ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे है और अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे है। सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024, इधर अप्लाई का ऑप्शन है, इस अप्लाई पर आपको क्लिक करना है सिंपली, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं। अब हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए रजिस्टर नाव का ऑप्शन मिल रहा है, इस रजिस्टर नाव के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा, अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें आपको पर्सनल डिटेल, अपना एडिशनल डिटेल और पासवर्ड, सारे डिक्लेरेशन सभी टाइप करना होगा, ठीक है। कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा इस पर और आगे बढ़ जाइएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आ गया है, ये देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक बार रजिस्ट्रेशन कीजिए और आप एसएससी का फॉर्म सब भर सकते हैं। पूछ रहा है कि डू यू हैव एन आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली इसमें यस कर देते हैं, और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर टाइप करना होगा, ठीक है। तो 12 डिजिट का अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा, जो भी आपका नंबर है। फिर आपको यहाँ पर पूछ रहा है वेरीफाई आधार कार्ड, तो वेरीफाई आधार कार्ड पर भी आपको अपना आधार कार्ड का नंबर देना है, उसके बाद आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देन पूछ रहा है कि टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा हम एक मिनट, सबसे पहले आधार कार्ड नंबर टाइप कर लेते हैं। तो मैंने आधार कार्ड दे दिया, यहाँ पे हमें टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अब आपको इसको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आइडेंटिटी फिर नंबर दे दीजिएगा, जैसे अगर किसी के पास नहीं है तो पैन कार्ड का दे सकते हैं, या फिर अदर कोई कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारा यहाँ पे कैंडिडेट नेम है, एज पर जो आपका 10th का मार्कशीट है, सब कोई जानता है यार, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अपना नाम फिलअप कर लीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है। फिर आपको वेरीफाई कैंडिडेट नेम एज पर मेट्रिक, सेम नाम को दोबारा टाइप करना है, ठीक है, यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर। आगे देख लेते हैं। तो फिर हमारा फोन नंबर ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है कि हैव यू एवर चेंज नेम, ठीक है। एक मिनट यार, क्या क्या टाइप हो जाता है रे भाई। तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि न्यू नेम चेंज, अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो यस कीजिएगा तभी होगा ये, और नो कीजिएगा तो नहीं होगा। तो सिंपली इसको नो पे ही रहने दीजिए, ठीक है। जेंडर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल है फीमेल है, जो भी जेंडर है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वेरीफाई जेंडर पर क्लिक कीजिएगा और उसी जेंडर को दो सेकेंड टाइम भी टाइप कीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेना है, टाइप नहीं होगा तो फिर आप यहाँ से कैलेंडर के थ्रू सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ रीटाइप करना है, फादर नेम यहाँ पे लिखना है 7 नंबर पे, फादर नेम को दोबारा लिखना है, मदर नेम लिखना है और मदर नेम को भी दोबारा लिखना है 8 नंबर पर, 9 नंबर पर आपका मेट्रिकुलेशन 10th बोर्ड जो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, देखिए आ गया। अब यहाँ पे आपका जो भी बोर्ड रहेगा, ठीक है, आप जहाँ से हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। आगे देखते हैं, फिर से आपको दोबारा सेलेक्ट कर लेना है, हर चीज़ को यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट कराया जाता है, ताकि देख लीजिए पूरी तरह क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है, कि जो मैं चीज़ जो भी चीज़ भर रहा हूँ। अब यहाँ पर रोल नंबर, तो आपका 10th में जो रोल नंबर है उसी रोल नंबर को टाइप कीजिएगा, मार्कशीट में देखिए रोल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। रोल नंबर दे देना है, रोल नंबर शुड बी सेम एज मेंशन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो जो आपका सर्टिफिकेट में है या फिर मार्कशीट में सेम चीज़ रहता है। रोल नंबर को रीटाइप करना है आपको, ठीक है। फिर पासिंग ईयर यहाँ पे डालना है कि आपने अपना मेट्रिकुलेशन कब पास किया, तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारा मिल जाएगा, जब भी आपने पास किया उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, उस ईयर को। आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पर आपको पूछा जाएगा वेरीफाई योर पासिंग ईयर,
रीटाइप करना है। फिर आपको पूछा जाएगा कि आपने इंटर कब पास किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा और वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे कैंडिडेट मदर नेम पूछा जाएगा, तो कैंडिडेट मदर नेम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। कैंडिडेट सॉरी मदर नेम नहीं है, मोबाइल नंबर है यार, एक मिनट, ठीक है। तो ये आपका 13 नंबर पे मोबाइल नंबर दे देना है, और ये मोबाइल नंबर आपके इसी पे सारा SMS वगैरह आएगा जब भी एग्ज़ाम वगैरह होगा, ठीक है। तो ऐसा मोबाइल नंबर दें जो आपके पास हमेशा रहता है। देन आपको यहाँ पे 14 नंबर पे और आपके मोबाइल पे एक OTP भी जाएगा। बोला गया है कि OTP फॉर वेरीफिकेशन विल बी सेंड टू दिस मोबाइल नंबर, ठीक है। देन है आपका यहाँ पे 14 नंबर पे कैंडिडेट ईमेल आईडी, आपको एक ईमेल आईडी देना है। इसी ईमेल आईडी पे आपका एडमिट कार्ड वगैरह जाएगा, ठीक है, जिसका लिंक से क्लिक करके आप डायरेक्टली एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर पाएंगे। और फ्यूचर में कोई अगर प्रोसेस होता है, ठीक है, एग्ज़ाम सिलेक्शन वगैरह का, तो आपके सारे इसी ईमेल आईडी पे जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको एक ईमेल पे भी OTP आएगा वेरीफाई करने के लिए। देन आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए ये सारी चीज़ें मैं खुद करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, वो है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पे आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, PG की है तो PG और ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर कोई PG लास्ट ईयर में है और आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन ही सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फिर से आपका हाईएस्ट लेवल है मतलब सबसे उच्चतम जो आपके पास योग्यता है वो देना है, ठीक है। तो जो है आपका ग्रेजुएशन है या PG है, रिजल्ट आना चाहिए तभी आप यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। और बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद जब आप मोबाइल नंबर दीजिएगा तो सेंड OTP का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है आपको और सेंड OTP आपके मोबाइल पे OTP आएगा, इसको यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। देखिए इस तरह से आ गया और आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, पेस्ट कीजिएगा, सॉरी कॉपी पेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, हमें मैनुअली देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो है उसको लिखना पड़ेगा, तो लिख देना है इस तरह से, और यहाँ पे वैलिडेट का आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो वैलिडेट पे क्लिक कीजिएगा और ये आपका इस तरह से ग्रीन हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी पे सेंड करना है एक OTP, और ईमेल आईडी को भी यहाँ से इस तरह से ईमेल आईडी में गया होगा, अब आईडी से वहाँ पे जो भी है उसको नंबर को देख करके यहाँ पे टाइप कीजिएगा और वैलिडेट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए सभी स्टेप क्लियर करने के बाद सिंपली 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, पर्सनल डिटेल सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अब आपके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया होगा आप, ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरह से आ गया होगा, और पासवर्ड भी आ गया होगा दोनों, ठीक है, SMS के थ्रू। ओके पे क्लिक कीजिएगा एंड ये रहा आपका स्क्रीनशॉट, ले लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर का, ठीक है। अब आपको लॉगिन करना है, चलिए देखते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जी, आप भी ले लीजिए अपना अपना, ठीक है। अब देखिए आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर लीजिए जो भी आपके आया है, और पासवर्ड भी यहाँ से टाइप कर लीजिए, ठीक है। तो जो पासवर्ड है यार, उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा कोड टाइप कर लीजिएगा, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्लिक किया होगा आपके सामने इस तरह से एक न्यू पेज आया होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लीज सेट और न्यू पासवर्ड, अगर आप सेट करना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, और नहीं तो ओल्ड पासवर्ड को ही यहाँ पे रिटाइप कर दीजिएगा, ठीक है, ओल्ड पासवर्ड जो है और न्यू पासवर्ड, ठीक है। तो आप अपना सेट कर लीजिएगा, अपने नाम से ज़्यादा बेटर रहेगा, ओल्ड पासवर्ड को दे देना है। अभी जो ईमेल पे आया है वो हो गया ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड यहाँ पे आपको सेट कर लेना है अपने, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर आपको उसी पासवर्ड जो नया सेट कीजिएगा, कन्फर्म पे क्लिक कीजिए, यहीं पे टाइप कीजिएगा, ठीक है। और सिक्योरिटी क्वेश्चन एक यहाँ पे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी एक चुन सकते हैं, तो आप क्या चुनिएगा, मैं चुनता हूँ आई वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, ठीक है, या फिर फेवरेट बुक, तो जो भी है यहाँ पे चुन लेना है आपको। फिर यहाँ पे आंसर कर देना है अपने स्कूल का नाम या फिर जो बुक है जो चुनिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 भी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। चलिए इस पे मैं क्लिक करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। और पासवर्ड के रिगार्डिंग दिया गया है कि कम से कम आपका 8 डिजिट का पासवर्ड है। सपोज दैट आपका नाम रमेश है, तो रमेश का R लिखिएगा कैपिटल में, बाकी सभी स्मॉल लेटर में दे दीजिएगा इस तरह से। उसके बाद @ दीजिएगा और कोई भी 3-4 डिजिट का नंबर, सपोज दैट 4 को 4 दे दीजिएगा, तो ये आपका पासवर्ड इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है।
अब देखिए ये हमारा भी सक्सेसफुल हो गया, ओके पे क्लिक करना है एंड आगे बढ़ना है। ठीक है, अब जो है हमारा एडिशनल डिटेल यहाँ पे लिया जाएगा, और यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि हेलो कैंडिडेट, ठीक है बोलिए, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालिए, तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिएगा, पासवर्ड डालिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एक मिनट, ठीक है सी एस बी ए, ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे टाइप कर देना है, उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। इस साइड में लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखिए दिख ही रहा होगा, फिर भी दिखा देते हैं यार यहाँ पे। तो हमारा एडिशनल डिटेल भी फिलअप हो गया, ठीक है सॉरी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया एडिशनल डिटेल। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं। तो मैं ओबीसी हूँ तो ओबीसी सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, मतलब आपका जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे कैटेगरी में भी कैटेगरी पूछा जाएगा फिर से वेरीफाई करने के लिए और एक बार। ठीक है, नेशनैलिटी पूछा जाएगा, कहाँ के हैं, तो सिंपल ही हम लोग हैं सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशन, अगर आप दूसरे देश के होंगे तो आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, फिर है विजिबल आइडेंटिटी मार्क, तो आपके जहाँ पर भी है, किसी का नाक में तिल, किसी का होंठ में गाल में तिल होता है वो दे दीजिएगा। फिर पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क, अगर आप फिजिकली शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। और अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको परसेंटेज देना पड़ेगा, किस टाइप के हैं वो देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नो पे क्लिक कर दिए तो सिंपली हमारा 5 नंबर ऑप्शन डिसेबल हो गया अपने आप। 6 नंबर आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डिटेल फिलअप करना है। एड्रेस डिटेल में क्या क्या फिलअप कीजिएगा, तो सबसे पहले विलेज दीजिएगा, विलेज कॉमा पोस्ट ऑफिस कॉमा पुलिस स्टेशन, ठीक है कॉमा डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद कॉमा पिन कोड, बस इतना दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है आपका, जो भी स्टेट है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड दे देना है। ठीक है, और अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस होगा, जैसा कि मतलब परमानेंट एड्रेस और परजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यस कीजिएगा, ये अपने आप फिलअप ले लेगा नीचे वाला। ठीक है, अपने आप। और अगर दोनों अलग अलग हैं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। मेरा राय यह होगा कि यस पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए ये भी स्टेप हमारा सक्सेसफुली हो गया। ओके पे सिंपली क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और ये लोडिंग ले रहा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैंने बताया कि गाँव में है मेरा, सब चौपट है। अब देखिए आपको एग्री कर लेना है इस स्टेटमेंट पर, डिक्लेरेशन पर। ठीक है, कि मैं एग्री हूँ, जितने भी मेरे द्वारा जो जानकारी दिया गया है पूर्णतः सत्य है। आई हैव डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवेन बाय मी, ठीक है, इन दिस इन फॉर्म इन इज ट्रू, ठीक है, एंड कंप्लीट, जो है पूरा करेक्ट है भाई, ये सब आप यहाँ पे बोल रहे हैं इसमें। ठीक है, और अगर आप देना रखना चाहते हैं अपना फॉर्म का प्रीव्यू, तो इस पर क्लिक करके आप प्रीव्यू देख सकते हैं, तो एक बार देख ही लेना बेटर रहेगा। ठीक है, इस तरह से देख लीजिएगा सब कुछ अपना अपना, और चेक करके यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा क्या सब कुछ आपका सही है। ठीक है, और चाहे तो आप इसे यहाँ पे प्रिंट भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसका प्रिंट एक ले ही लेना है आपको। ठीक है, तो चलिए प्रिंट लेने के बाद यहाँ पे कट करना है, उसके बाद डिक्लेयर जो हो गया, ठीक है, डिक्लेयर पर क्लिक कर देना है, और ये भी आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके पे क्लिक करना है। अब जो है अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप रेडी हो चुके हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपका सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब सिंपली आप चाहे तो लॉग आउट होकर भी यहाँ पे फिर से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लॉगिन करके, या फिर इसको सिंपली ऊपर उठाइए और ऊपर उठाते चलिए, यहाँ पे देखिए जितना भी लाइव एग्जामिनेशन है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा अभी एक ही दिखा रहा है, सीजीएल झारखंड, सीजीएल सॉरी झारखंड, मैं झारखंड से सीजीएल दे देकर ना थक गया हूँ यार, पेपर लिख, तो सेंट्रल सीजीएल। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ डेट वगैरह मतलब फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, लास्ट डेट आपका 25/7 है पेमेंट करने का, और फॉर्म भरने का 24/7। अप्लाई करने के लिए सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, और ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, सिंपली इसको पार करना है सरसरी निगाहों से। बोला गया है कि परीक्षा विपत्ति को ध्यान पर, सॉरी हिंदी इंग्लिश से दोनों यार सेम चीज़ है। यहाँ पे फिल फॉर्म पे क्लिक करना है सिंपली। ठीक है, तो फिल फॉर्म पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया। ये हमारा स्टेप्स रहेंगे, पहला कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एजुकेशन डिटेल देना है, फिर आपको यहाँ पे
एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है, देन आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स, फिर प्रीव्यू रहेगा, फिर आपका सबमिट करना रहेगा फॉर्म का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सिंपली आपको पर्सनल डिटेल आपका फिलअप क्या हुआ रहेगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो यहीं से यह कैच कर लिया है, ठीक है। इसको ऊपर उठाते जाना है, अपने आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट पे सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, डायरेक्टली नेक्स्ट, ठीक है। तो कुछ भी फिलअप करने का ज़रूरत नहीं रहेगा, पर्सनल जो डेटा है वो सब कुछ सेव हो जाएगा, और एक बार आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल आपका आ जाएगा, एजुकेशनल डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ सेट कर लेना है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंने जो भी आपका है सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। 19 नंबर पॉइंट पे, 20 नंबर पॉइंट में यहाँ पे पूछा गया है कि क्वालिफाइंग एजुकेशनल जो आपका रहेगा, तो क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो भी आपका है जब आप पास कर चुके हैं, ठीक है, प्लीज़ रेफर द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन 18/21/12। एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने बीटेक वगैरह किया है तो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन कीजिएगा, ठीक है। और एक है आपका डिम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशू बाय द आर्म फोर्स। तो अगर आप सिंपली बी ए बी कॉम बी एस सी किए हैं तो सिंपली ग्रेजुएशन पे क्लिक कर लीजिए। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आपका स्टेटस पूछा जाएगा, पास है या अपियरिंग है, ठीक है। एक मिनट, हाईएस्ट का दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका जो है अपियरिंग का ऑप्शन मिल रहा है, दैट मीन्स मैं पीजी कर लेता हूँ यार अपना अपना जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अपियरिंग दीजिएगा तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे फिलअप नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि पासिंग ईयर वगैरह, ठीक है। और यह ऑप्शन यहाँ पे फिर भी दे रहा है पासिंग ईयर, पास्ट मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, ठीक है। देन देख लेते हैं, तो हमारा 20 का 3 नंबर पॉइंट में है, यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यूनिवर्सिटी किस स्टेट यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, ठीक है। तो मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ वह झारखंड में स्थित है, ठीक है। तो आपको अपना, अरे यार सॉरी बताना नहीं है यहाँ पे यूट्यूब में, ठीक है। तो आपको अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको नेम बता देना है किस यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कोई स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, तो आपके वहाँ पे उस स्टेट के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ रहेंगे वो सारे यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आपको शो करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ये 4 नंबर पॉइंट 2.4 में 20.5 में आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर देना है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का रोल नंबर देना है, मार्कशीट में निकाल लीजिएगा। अगर आपने पीजी किया है तो पीजी का रोल नंबर देना है, ठीक है। और इग्नू में रोल नंबर को एनरोलमेंट नंबर के नाम से जाना जाता है। परसेंटेज देना है, कितना परसेंटेज आया है आपका। सीजीपीए में है तो परसेंटेज को कन्वर्ट कर लीजिए, सॉरी सीजीपीए का ऑप्शन दिया है तो सीजीपीए में भरिएगा। अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज में भरिएगा, किसी एक में फिलअप करना है, उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है। सबसे पहले 21 नंबर पॉइंट, ठीक है, वेदर यू आर एन एक्स सर्विस मैन, अगर आप हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करना है, ठीक है। 22 नंबर पे है कि वेदर सीकिंग एज रिलेक्सेशन, अगर आपको चाहिए उम्र में छूट तो यस कीजिएगा, नहीं चाहिए तो सिंपली नो पे क्लिक करना है। अगर आपको छूट चाहिए तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि इफ़ यस, ठीक है। एज रिलेक्सेशन यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, आप किससे लेना चाहते हैं, ओबीसी से हैं या फिर मतलब मैंने तो ओबीसी सेलेक्ट किया तो सिंपली मेरा ओबीसी से ही मिलेगा, ठीक है। जो आपने एसटी एससी अगर सेलेक्ट किया होगा उससे मिलेगा, तो मुझे कोई छूट नहीं चाहिए एज में, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है नो, और चाहिए तो यस। देखिए इसमें क्या है कि अगर आप अपना इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं इनको किसी जॉब इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो यस कीजिए, और इसमें आपका डेटा लीक होने का भी चांस रहता है, तो सिंपली इस पर मैं नो करता हूँ। यस भी कर सकते हैं, उतना कुछ डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो जैसा आपकी मर्जी आप दे सकते हैं, तो चलिए रहने ही देते हैं यस पे, फ़ायदा ही होगा इसमें, लेकिन डेटा लीक होने का भी थोड़ा सा संभावना रहता है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे फिर आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2, ठीक है। 24 नंबर पॉइंट है यहाँ पे, प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना है, प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो सबसे पहले आपको जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और आप अपना अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका स्टेट रहेगा। प्रेफरेंस 2, 3 तीन को सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। 25 नंबर पॉइंट आपको नहीं भरना है,
आर यू अ पर्सन विथ जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए है 25 नंबर, ठीक है। उसके बाद आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 25 नंबर भी उसी के लिए है। डू यू हैव अ फिजिकल 25 का 3 भी इसी के लिए है। मतलब पूरा का पूरा 25 नंबर हमारा नहीं फिलअप होगा, ठीक है। 25 का 3 में आ रहा है कि डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेड राइट पर पारा, तो अगर आप ये हैं, ठीक है, किसी प्रकार का, तो यस कीजिएगा, नहीं है तो फिर नो पे सिंपली क्लिक करना है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है फिर 26.1, यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी ऑफिसर, ठीक है। तो मैंने अप्लाई नहीं किया तो सिंपली नो करूँगा, अगर आपने यस किया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे यस कीजिएगा, CHSL सिंपली इसमें आ जाता है, ठीक है। तो यस करना है अगर आपने अप्लाई किया है तो, और नहीं किया है तो सिंपली नो पे क्लिक करना है। उसके बाद मेरा 7.1 नंबर ऑप्शन में आ रहा है कि आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, तो नहीं, Grade 2, इसमें भी मैंने अप्लाई नहीं किया तो सिंपली नो पे क्लिक करूँगा, अगर आपने किया है तो यस कीजिएगा, एंड देन आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। वैसे भी इन सब से कोई खास आपको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है फॉर्म में, ठीक है। तो सिंपली 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डाटा आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, फिर आपको लोडिंग करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पहला है अपलोड फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर। तो देखिए, फोटोग्राफ अपलोड करना है, कैप्चर लाइव विथ फोटो। अरे भाई, तो मैं तो गंजी में था यार, जल्दी से शर्ट पहन लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड अ प्लेस विथ गुड लाइट, अच्छा लाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, प्लेन बैकग्राउंड, एंड इंश्योर द कैमरा इज एट योर आई लेवल बिफोर कैप्चरिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको फॉलो करने हैं, और यहाँ पे सिंपली कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक कीजिएगा इस पर, और आप अपना लाइव ले लीजिएगा, ठीक है। तो जनरली आपका फ़ोटो कैप्चर नहीं हो रहा होगा, ठीक है, अगर आपका मोबाइल है स्पेशली या लैपटॉप, कम विंडोज 7 में शायद अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, इसको QR कोड स्क्रीन शॉट मारिए, ठीक है, और इसको जो है आप सिंपली गूगल लेंस में जा कर के कीजिए, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ऐसा आ जाएगा आपका, मतलब गूगल लेंस से जब कीजिएगा, ठीक है, एक लिंक आएगा ब्लू ब्लू, इस पर क्लिक करना है, प्ले स्टोर खुल जाएगा आपका। तो यह ऐप आपका जो है MySSC के नाम से आता है, इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। 1 मिलियन डाउनलोडर है यार, वाह। तो इसको डाउनलोड कर लेना है आपको सिंपली। तो इसको मैंने ओपन कर लिया, अब आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, ठीक है, एंड देन पासवर्ड देना है, और ये सेम कैप्चा कोड देके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो सब कुछ क्लिक करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। तो कैप्चा कोड गलत बता रहा है, तो यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि प्राइवेट पॉलिसी है भाई, ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। अब आप अपना सेव कर लीजिएगा पासवर्ड वगैरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा एग्जामिनेशन का नाम आ गया है CGL, ठीक है, और ये डेट वगैरह है। यहाँ पे कैप्चर करने के लिए सिंपली क्लिक करना होगा कैप्चर पे, तो सिंपली आप अपना क्लिक कर लीजिएगा एंड देन यहाँ पे देखिए फ़ोटो जो खींचेगा तो आप थोड़ा दूर करके खींचेगा, मतलब डिस्टेंस बना के, ठीक है, तभी आप कर लेगा, नहीं तो परेशान हो जाइएगा फ़ोटो देते देते, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया, अब हमें वेबसाइट पे आना है फिर से, और वेबसाइट पे आपको फिर से लॉगिन करना है सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, पासवर्ड दीजिए, कैप्चा कोड दीजिए और लॉगिन कीजिए फिर से वेबसाइट पे, ठीक है। तो देने के बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये इस टाइप से आ जाएगा, सारा डिटेल्स दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा, सेम कंडीशन। तो योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग, प्लीज गो, तो एप्लीकेशन टैब बोल रहा जाने के लिए, और यहाँ पे हम लॉग आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे लॉग आउट हो गए, ठीक है। तो हमें माय एप्लीकेशन का ऑप्शन यहीं पे देखने को मिल जाएगा, ये एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है माय एप्लीकेशन पे, आ जाइएगा, सारे डिटेल्स आपके आ जाएंगे। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, ये कंटिन्यू, और आगे बढ़ते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से वही सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है, एक बार चेक कर लेना है अच्छे से, और आपको नेक्स्ट कर देना है इसको। यहाँ पे बस
चेक करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। दोबारा चेक कर लेना है सब कुछ अच्छे से एक बार, ठीक है। इस तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपने दिया है उसको भी एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। अब देखिए, जैसे ही हम फोटोग्राफी पे आ गए तो हमारा ऑलरेडी फोटोग्राफी अपलोडेड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम अब अपना एक इमेज देंगे, ठीक है। यार रात को मैं कहाँ जाऊँगा, ठीक है, तो सोचा कि यहीं पे खींच लेता हूँ फ़ोटो अपने ही रूम पे। अब यहाँ पे हमें एक इमेज अपलोड करना होगा, ठीक है, सिग्नेचर का, और जो 10 से आपका 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो सिंपली अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, अपलोड पिक्चर पे, उसके बाद अपना गैलरी पे आ जाइएगा एंड यहाँ से अपना एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और ये मेरा शायद इमेज लेगा या नहीं लेगा, नहीं ले रहा है, ज़्यादा हो गया। तो फ्रेंड्स, मोबाइल से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सिग्नेचर यहाँ पे अटक जाएगा, सिग्नेचर नहीं लेगा, ठीक है, मतलब नहीं ले रहा है, ये जो डायमेंशन है सही रूप से नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको स्कैन करके डालना होगा जो कि मोबाइल से संभव नहीं है, इसलिए आपको लैपटॉप का यूज करना पड़ेगा। तो वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि मोबाइल से और आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बना के भेज देता है डायमेंशन वगैरह के भी, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आपके प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, देन सबमिट का ऑप्शन आएगा, फिर आप पेमेंट वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा बेटर है कि आप साइबर कैफे का सहारा ले लें या फिर आप अपने लैपटॉप का यूज करें और उसके थ्रू अप्लाई करें, ठीक है। मोबाइल से यहीं तक होगा, चलिए, तो मोबाइल से इस फॉर्म को मत भरिए, चलिए जो भी है, अगर आप कर पाएंगे तो कीजिए, नहीं तो फिर मोबाइल से रहने ही दीजिए, ठीक है। सॉरी, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब कोई आधा अधूरा काम रहता है तो मन में ख़राब लगता है ना, बट क्या करें, नहीं हो रहा है तो छोड़ ही रहे हैं, सॉरी।